नमस्कार, दो दो बड़ी खबरें इस वक्त। और पहली खबर ये कि नैंसी पावल जो कि अमेरिकी राजदूत हैं, उनकी मुलाकात फिलहाल गांधीनगर में चल रही है नरेंद्र मोदी से, जो कि पीएम इन वेटिंग है बीजेपी के और फिलहाल मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। और ये जो मीटिंग है ये चल रही है गांधीनगर में और ये सीएम के निवास पर उनकी ये बैठक चल रही है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राजदूत नैंसी पावल की अहम मुलाकात की ये तस्वीरें आपके सामने, कुछ चंद सेकंड पहले की ये तस्वीरें हैं। और फिलहाल ये मुलाकात चल रही है। नैंसी पावल भारत में अमेरिकी राजदूत है, एम्बेसडर टू इंडिया अमेरिका की, और फिलहाल ये मीटिंग चल रही है। और खासकर ये मीटिंग देखते हुए बहुत अहम है कि अमेरिका और मोदी के बीच हमेशा दूरियां रही हैं और अमेरिका ने 2005 में नरेंद्र मोदी को वीजा तक देने से इनकार कर दिया था। और 2002 दंगों के मामले को लेकर, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को लेकर अमेरिका हमेशा से मोदी से दूरी बनाए रखा। फिलहाल गोपी हमारे साथ है अहमदाबाद से इस पूरी बातचीत के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए। कब कितनी देर में पहुंची और किस मुद्दे पे खास बातचीत हो सकती है गोपी इस मीटिंग के दौरान, और क्या वजह है आपको लगता है, किस तरीके की बातचीत खासकर गुजरात में चल रही है कि अमेरिकी राजदूत आज नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले ही नैंसी पॉवेल यहां पे पहुंची है। दोनों के बीच की जो मुलाकात है वो शुरू हो गई है और काफी अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। 2005 में गुजरात के जो दंगे थे उसको लेकर लेते हुए जो अमेरिका ने अपनी वीजा पॉलिसी थी उसमें राजनीतिक वीजा देने से इनकार कर दिया था, उसके बाद करीब 9 साल बीत चुके हैं। 9 साल के भीतर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद बढ़ा है उसी को देखते हुए यहाँ पे तो मुलाकात की गई है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि यूके ने भी अपने पहले 2005 में अपनी जो वीजा पॉलिसी थी उसमें नरेंद्र मोदी के लिए वीजा को लेकर एक कड़ा रुख अपनाया था, उसके बाद उन्होंने उसमें काफी नरमाहट आई थी और खुद यहाँ पे यूके के जो गवर्नर थे वो यहाँ पे आए थे और मोदी के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद यूएस ने अपना ये जो रुख है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उसे चेंज किया है और आज मोदी के साथ मुलाकात की है। काफी अहम मानी जा रही है इस पूरी मुलाकात को। और खासकर ये गोपी हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राजदूत जो है नरेंद्र मोदी के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। गुजरात में गांधीनगर में उनके घर में ये मुलाकात चल रही है, जो तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। और गोपी घंग्यार जो हमारी संवाददाता है गांधीनगर से, उनके घर से तस्वीरें जो आप तक आई हैं और वो बता भी रहे, बहुत अहम माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो पॉलिसी है और ये एक तरह पॉलिसी जो अमेरिका की रही है भारत के इस नेता के लिए, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि जो ये रुख है या बदलता जाएगा अमेरिका का, खासकर नरेंद्र मोदी के लिए। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जो रुख है अमेरिका का वो यहाँ पे बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद बढ़ा है, जिस तरीके से उनकी रैलियां हो रही है, रैलियों में जो भीड़ आ रही है और जिस तरीके से जो पूर्व ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और खास करके बीजेपी को जिस तरीके से सीट मिल रही है, वैसे में बीजेपी के वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, तो दोनों ही देशों के बीच की जो दूरी है, मतलब खास करके नरेंद्र मोदी के साथ वाली जी, गोपी इससे पहले हम आपको जानने दें, हम आपसे पूछना चाहते हैं बैठक कितनी देर चल सकती है और क्या उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और बातचीत करेंगे मीडिया से नरेंद्र मोदी और नैंसी पावल? नहीं, इसके बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सीधे अंबाजी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन नैंसी पॉवेल यहाँ से सीधे जो विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला है उनसे मिलने के लिए जा रही है। करीब 1 घंटे की ये पूरी मुलाकात है, 11 बजे तक उम्मीद है कि ये मुलाकात चलेगी और यहाँ से 11 बजे नैंसी पॉवेल सीधा विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला को वहाँ ऑफिस पे मिलने जा रही है। तो पूरी तरीके से इसे राजनीतिक मुलाकात मानी जा रही है और अमेरिकी राजदूत जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पूर्व आए हैं वो मोदी और दोनों के बीच की जो बातचीत है वो देश के मोदी के दृष्टि देश के लिए दृष्टिकोण को लेकर है इस तरीके। जी शुक्रिया गोपी इस पूरी जानकारी के लिए, अहम जानकारी। और आपको बता दें कि अमेरिकी राजदूत नैंसी पॉवेल और नरेंद्र मोदी के बीच गांधीनगर में उनके घर में फिलहाल इस वक्त बैठक चल रही है। हर अपडेट हम आपको लाते रहेंगे गांधीनगर से आपके लिए, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं